कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में आलोचनाएं झेल रहा चीन अब नए विवाद में फंस गया है। दक्षिणी चीन के सबसे बड़े शहर ग्वांगझू में अफ्रीकियों का कहना है कि विदेश से आए कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अफ्रीकी लोगों ने कहा कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध समझा जा रहा है और घरों से जबरन बाहर निकाला जा रहा है। अपने अपार्टमेंट से निकाल दिए गए युगांडा के एक छात्र टोनी माथीसियास ने कहा, मैं बिना भोजन के पिछले 4 दिन से पुल के नीचे सो रहा हूँ। मैं कहीं से भोजन नहीं खरीद सकता, कोई दुकान या रेस्तरां मुझे भोजन नहीं देगा, हम सड़क पर भिखारियों की तरह रह रहे हैं। अफ्रीकी लोगों ने कहा कि उन्हें मनमाने तरीके से रखा जा रहा है और उनकी सामूहिक स्तर पर जाँच की जा रही है। इस बीच विवाद बढ़ने पर अब चीन ने सफाई दी है। चीन का कहना है कि उसने कोविड-19 संक्रमण को मुख्य रूप से काबू में कर लिया है, लेकिन ग्वांगझू में नाइजीरियाई समुदाय से जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। उधर कई मामलों के कारण स्थानीय लोग और वायरस की रोकथाम में लगे अधिकारियों पर इस समुदाय के लोगों से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं।